हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल एच ए मेडिसिन पर। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कैंडिड V6 टेबलेट का काम क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैंडिड V6 टेबलेट का कंपोजिशन जान लेते हैं। दोस्तों, इसका कंपोजिशन क्लोट्रिमेजोल 100 mg है। दोस्तों, यह ग्लेनमार्क कंपनी का आता है, जो कि बेहतरीन दवा है, ओरिजिनल दवा, इथकल जिसको कहा जाता है, वही दवा है यह कैंडिड V6। इसका काम कुछ इस प्रकार है। स्थानिक प्रतिकवक या औषधि कवक कोशा में प्लाज्मा झिल्ली को नष्ट कर देती है और एर्गोस्ट्रोल के संश्लेषण को कम करती है। यह वह कुछ ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जैसे स्टाफ औरस आदि पर प्रभाव होती है, जैसे कि योनि व योनि मार्ग मोनिलियसिस, ट्राइकोमोनास योनिशोथ, श्वेत पर्दर यानी कि महीना ज़्यादा होना, मिश्रित योनि संक्रमण, ग्राम निगेटिव अथवा ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं द्वारा योनि संक्रमण, योनि शोथ आदि में यह कैंडिड V6 टेबलेट काम करता है। जैसे कि महिला को धात गिरना, महीना अधिक से ज़्यादा होना, पेशाब रास्ता खुजलाना, पेशाब रास्ता में कोई भी समस्या होने पर यह टेबलेट काम किया जाता है। दोस्तों, इसका निषेध कुछ इस प्रकार है। गर्भावस्था का पहला त्रैमास तथा मासिक धर्म के समय यह टेबलेट बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप लोग थोड़ा अच्छा से सुन लें। सबसे पहले हम इसमें दिखाए गए पाइप जो देख रहे हैं आप लोग, वाइट वाला पाइप जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें माध्यम से दिखाया जा रहा है ए और बी। ए को पहले पुश करके पीछे खींच लेना है, बी में छोटा सा जगह है उसमें एक टेबलेट को डाल देना है, ठीक है, एक टेबलेट को उसमें डाल देना है। उसके बाद महिलाओं के पेशाब रास्ता में बी वाले स्थान को अंदर डालना है, उसके बाद ए वाले को पुश कर देना है। उससे क्या होगा, टेबलेट पेशाब रास्ता में चला जाएगा, ठीक है, पेशाब रास्ता में चला जाएगा। उसके बाद आप लोग पाइप को धीरे से निकाले, उसके बाद पानी में उस पाइप को अच्छा से धो ले, ठीक है। ये पाइप है, इसी में टेबलेट घुसाना है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। इस टेबलेट को खाया नहीं जाता, यह टेबलेट खाने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है, इसको पेशाब रास्ता में डालने के लिए बनाया गया है। आप लोग बिल्कुल ही इस टेबलेट को खाइए नहीं, यह टेबलेट सिर्फ महिला ही इस्तेमाल कर सकती है, वो भी पेशाब रास्ता के माध्यम से। इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार है। अति संवेदिता, कभी कभी स्थानीय जलन होती है। इसका विशेष सावधानियां स्त्री के उपचार के साथ साथ उसके पति का भी उपचार करें। यह औषधि को मासिक धर्म के समय प्रयोग न करें, ठीक है, यानी महीनवारी के समय इस टेबलेट को उपयोग न करें। गर्भावस्था पहले त्रैमास में प्रयोग न करें, बिल्कुल न करें। दुग्ध अवस्था में औषधि सावधानी से प्रयोग करें। वृद्धों में 60 वर्ष से ऊपर प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी। औषधि का अंतर प्रभाव पोली है, एंटीबायोटिक के साथ प्रयोग करने पर औषधि प्रभावहीन हो जाती है। आशा करता हूँ इस टेबलेट का डोज, इस टेबलेट का काम, इस टेबलेट का आप साइड इफेक्ट जान गए होंगे। इस टेबलेट को सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल किया जाता है, इस टेबलेट को खाना बिल्कुल वर्जित है, इस टेबलेट को खाया नहीं जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर बताएं। आपको अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी दवा का नया जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके माध्यम से आपको, हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।